हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है आपके अपने सुनीता शर्मा ब्लॉग पर। तो आज का ब्लॉग शुरुआत हो रही है किचन से, जो कि मैं किचन में क्या कर रही हूँ यहाँ पे। तो आज बच्चों के डिमांड पर बन रहा है शाही पनीर। तो यहाँ पर खड़ी हुई थी, तैयारी थोड़ी सी बहुत कर भी दी है मैंने, तो वो अभी दिखाती हूँ आप लोगों को क्या तैयारी की है। तो इसलिए खड़ी हुई थी तो सोचा अपना ब्लॉग ही स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ तैयारी कर ली है शाही पनीर बनाने की। यहाँ पर प्याज लिया है, 2 से 3 प्याज लिए हैं, 2 से 3 टमाटर लिए हैं यहाँ पर। और इनको अच्छे से देसी घी में फ्राई कर लिया है। थोड़े से लिए हैं मैंने खड़े मसाले, जैसे कि थोड़ी लौंग है, काली मिर्च है, और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा है, और थोड़े से हैं काजू इसमें, जो कि दिखाई दे रहे हैं ना ये वाइट वाइट, तो ये थोड़े से काजू हैं इसमें। तो इसको मैंने अच्छे से थोड़ा नमक डाल के इनको भून कर रख दिया है। थोड़ा सा और ठंडा होगा तो इसको पीसूंगी और इसका बनेगा शाही पनीर, जो कि इस तरीके का जो शाही पनीर बनता है ना वो टेस्टी लगता है। तो और थोड़ी सी जो खड़ी लाल मिर्ची होती है ना वो डालते हैं साबुत, लेकिन मेरे पास थी नहीं तो थोड़ी सी मैंने ना ऐसे ही डाल दी जो पिसी हुई होती है। और उसके लिए निकाल कर रखा है ये ताजी दूध की मलाई, जो कि इससे और भी ज़्यादा टेस्ट आता है शाही पनीर में। तो अब इसको बना लेती हूँ। वैसे ये लगभग ठंडा हो चुका है तो इसको पीसूंगी अब मिक्सी में। और अभी प्याज टमाटर वगैरह मैंने पीस कर रख लिए हैं, और इधर रख दी है मैंने कढ़ाई। तो इसमें डाल दिया है थोड़ा सा देसी घी 1 चम्मच के करीब। देसी घी में बनाओ तो और भी अच्छा लगता है। तो और इसमें डाल दिए हैं ये मैंने देगी मिर्च, क्योंकि कलर जो है बहुत अच्छे से आता है इसमें। और उसके बाद में मिर्च डालने के बाद में इसमें डाल दूँगी जो मैंने ये पीस कर रखा है ना टमाटर वगैरह, ये सब डाल दूंगी इसमें। और ये क्या है, चलाना पड़ता है, क्योंकि अगर इसमें काजू डालो ना तो ये थोड़ा सा चिपकता है, तो इस वजह से लगातार इसको चलाना पड़ता है। और उसके बाद में सभी मसाले ऐड कर दूंगी, जैसे कि कसूरी मेथी डालूंगी, थोड़ा सा मैं शाही पनीर मसाला डालूंगी इसमें, और बाकी अपने बेसिक मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर थोड़ा सा, और धनिया पाउडर डालूंगी, थोड़ी सी लाल मिर्ची घर घर वाली, और उसके बाद मैं नमक डाल दूंगी इसमें। और नमक मैंने उसमें भी डाला हुआ था जो मैंने पेस्ट बनाया था ना टमाटर वगैरह, तो उसमें भी डाला हुआ था, तो उसी हिसाब से डालूंगी। और इसको ढककर रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि चलाते रहो और उसके बाद में इसे ढककर रख दो ना, थोड़ा सा ऑयली ऑयली सा हो जाता है, आने लगता है। वैसे मैंने ऑयल ज़्यादा नहीं डाला है, घी डाला है, क्योंकि इसमें भी जो मलाई डालती हूँ ना उसमें भी घी होता है, तो इस वजह से मैंने कम ही घी डाला है। तो देखो ये अच्छे से भून कर तैयार हो चुका है मसाला, और आने लगा ना ऑयल, आने लगा, कलर भी चेंज हो जाता है। मसाला अच्छे से भुन जाता है ना तो उतना ही जो है सब्जी में टेस्ट आता है अच्छे से। तो उसके बाद में मैंने थोड़ा सा जो है पानी भी ऐड कर दिया, क्योंकि ये गाढ़ा हो जाएगा रखने के बाद में, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, तो थोड़ा सा पानी भी ऐड किया मैंने। और अगर सूखा वाला खाना होता है तो आप वैसे भी बना सकते हो। तो उसके बाद में मैंने ये कटिंग कर ली थी इसकी पनीर की, और इसको भी ऐड कर दूंगी। और ये वाला जो शाही पनीर है ना बहुत अच्छा लगता है, वैसे सिंपल वाला जो बनाते हैं ना उससे भी ज़्यादा टेस्ट आता है इसमें। तो देखिए मेरी सब्जी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। इसको मैंने बंद भी कर दिया गैस को, और ऊपर से डालूंगी धनिया पत्ती, जो कि धनिया पत्ती काट के रख ली है मैंने। और बाकी फिर अपना सब्जी खाने की तैयारी कर लूँगी। साइड में मैंने आटा वगैरह सब कुछ लगा लिया है इतनी देर में, तो सब्जी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। और मैं अभी आई हूँ यहाँ पर, जो कि आप लोगों ने बहुत टाइम बाद देखा होगा ये वाला घर, जो कि 1 साल से भी ज़्यादा हो गया और ऐसे ही पड़ा हुआ है। मतलब छत पड़ गई थी, लेंटर पड़ गया था, उसके बाद में यहाँ पर इतनी ज़्यादा समस्याएं चलती रही ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, सारे में अंधेरा अंधेरा हो रहा है अभी, अंदर पूरे में अंधेरा अंधेरा हो रहा है। तो यहाँ पर जो है गेट की जो है की जा रही है तैयारी लगाने की, क्योंकि गेट की बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ। और यहाँ ये देखिए इस तरीके से जो है यहाँ पर गेट, स्लाइड गेट बनाया हुआ है, जो पुराना गेट था ना उसी का जो है गेट बनाया हुआ है। ये डबल गेट लगे हुए हैं, ऐसे खिसका देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, लेकिन फिर भी कुत्ते जो है नीचे से आ जाते हैं, तो इसके लिए व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि गेट चढ़ जाए यहाँ पर दिवाली के बाद में
और यहाँ पर जब गेट चढ़ेगा तो थोड़ा सा प्लास्टर भी ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि प्लास्टर हो जाएगा उसके बाद में गेट चढ़ेगा तो गेट जो है गंदा नहीं होगा, नहीं तो गंदा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर जो है प्लास्टर करवा के और उसके बाद में गेट चढ़वा देंगे। जैसे मैं यहाँ पर देखने आई थी, मैंने कहा क्या काम चल रहा है, और अभी वो ऊपर लगे हुए हैं भैया लोग, तो यहाँ पर इसमें ना प्लास्टर होगा और बाकी अभी अंदर वगैरह तो नहीं होगा शायद, लेकिन इस वाले रूम में हो गया है, एक तो इस वाले रूम में प्लास्टर हो गया है ये, क्योंकि वहाँ पे ना फिटिंग नहीं हुई थी, बिजली की फिटिंग नहीं हुई थी, तो बिजली की फिटिंग की वजह से ना अभी थोड़ा सा लेट हो गया यहाँ पर, नहीं तो इसी में कराना था पहले और गेट लगवाते, अब तो दिवाली के बाद होगा, पता नहीं कितना टाइम लग जाए, क्योंकि प्लास्टर होने में भी टाइम लगता है, कई दिन लग जाते हैं। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी, मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।